नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग इंडिकेटर एंड इमरजेंसी प्रोटेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सतर्कता संकेतक और रंग द्वारा पेंट किया जाता है, अर्थात कॉशन इंडिकेटर इज पेंटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीला और काला येलो एंड ब्लैक रंग से रंगे हुए होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब गाड़ियों को रोकना आवश्यक है तब सतर्कता संकेत गति संकेतक के पीछे कितने मीटर और कितने मीटर पर लगाया जाएगा। कॉशन इंडिकेटर शैल बी प्रोवाइडेड एट डैश मीटर इन रियर ऑफ स्पीड इंडिकेटर एंड एट मीटर व्हेन द ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर और 1200 मीटर पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, गति संकेतक डैश आकार में होता है और गति को सूचित करने वाला मूल रंग और आंकड़ा डैश होता है। स्पीड इंडिकेटर इज इन द शेप ऑफ एंड बेस कलर एंड फिगर आर इन डैश इंडिकेटिंग द स्पीड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रायंगल अर्थात त्रिकोणीय और जिसमें येलो और ब्लैक कलर होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार, स्टॉप संकेतक का आकार निम्न में से होता है, शेप ऑफ स्टॉप इंडिकेटर इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार होता है। आप लोग फिगर के माध्यम से भी इसमें देख करके समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर एक बार देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोगों की स्क्रीन पर, स्टॉप संकेतक का आकार कितना मिलीमीटर होता है। साइज ऑफ स्टॉप इंडिकेटर इज, ऑप्शन नंबर डी, 1400 mm इंटू 400 mm अर्थात 1400 इंटू 400 mm। फिगर में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, BSLV का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ BSLV। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और पुराने वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, रात के समय डैश दर्शाने के लिए सतर्कता संकेतक में 130 मिलीमीटर डायमीटर के दो छेद बनाए जाते हैं। तो यह किसके लिए बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पीली रोशनी के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, आपातकाल सुरक्षा के मामले में RHS हाथ सिग्नल कहाँ लगाया जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोटेक्शन RHS हैंड सिग्नल शैल बी प्रोवाइडेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 30 मीटर स्थान के पीछे, 30 मीटर इन रियर ऑफ द स्पॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, फ्लैगमैन अंतिम पटाखों से कितने दूर पर खड़ा रहता है। फ्लैगमैन विल बी टेक स्टैंड फ्रॉम द लास्ट डेटोनेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 45 मीटर की दूरी पर, अर्थात 45 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
10 जो कार्य प्रारंभ करने के दिन के सूर्योदय से पहले पूरा करना है उसे कौन सा ड्यूरेशन का कार्य कहा जाता है? वर्क वेन आर कंप्लीटेड बाय सनसेट ऑफ द डे ऑफ कमेंसमेंट आर कॉल्ड ड्यूरेशन वर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क कहा जाता है। इसके बाद वीडियो के लास्ट पे क्विज ऑफ द डे, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप लोग जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आप सभी दोस्तों का।